थे, इसलिए हमें ये अभी छानना पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल रीना जी ने चाशनी में डाल दिया है वाटरमेलन बर्फ शेक भी को। डाल देते हाँ, थोड़ी सी। थोड़ा बर्फ़ डाल दो इसमें रीना। हेलो दोस्तों, आप सभी का रणवीर बठिंडा चैनल स्वागत है। तो कैसे हैं, आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। तो रीना जी, अभी आप क्या बनाने वाली हो? वाटरमेलन शेक। क्या बात है। तो दोस्तों, रीना जी आज वाटरमेलन शेक बनाने वाली हैं। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से बनाती हैं। चलिए वाटरमेलन को छीलते हैं। तो अभी वाटरमेलन कहाँ पे है रीना जी? पास में पड़ा है। अच्छा, दिखाना जी कहाँ पे है। क्या बात है। तो दोस्तों, ये हमारे पास वाटरमेलन है। तो चलिए अब रेडी करते हैं। तो रीना जी यहाँ पे वाटरमेलन के बीज निकाल रही हैं, अभी काट रही हैं, पीसेस कर रही हैं उनके। पहले बीज निकाल लेते हैं फिर पीसेस करते हैं। ये देखो कितने सारे निकल रहे हैं, बीज ही बीज भरे पड़े हैं। हाँ, नहीं इनको तो फिर निकालना ही पड़ेगा ना। और हाँ वाटरमेलन शेक बनेगा ना, इसलिए खाने में तो मुंह में निकल जाते हैं। सही बात। और इस शेक में आएंगे क्या फ़ायदा, खराब करेंगे ये। चलो इसको जल्दी से काट लेते हैं, फिर उसके बाद बनाते हैं। हाँ, वाटरमेलन शेक बनाते हैं। पीहू तो वहाँ पे लगी पड़ी है खाने में, खाने में वाटरमेलन टाइम खा नहीं रही है। है। प्रिंसल बेटा जी यहाँ पर चाशनी तैयार कर रहे हैं, देखिए दोस्तों ठंड हो रहे हैं यहाँ पर। तो अब हमारे जो सामान है वो सारा रेडी हो चुका है। यहाँ पे वाटरमेलन भी काट लिया है रीना जी ने, और यहाँ पे मिक्सी भी रेडी कर ली है ना आपने। हाँ मिक्सी रेडी है तो सर। चलिए अब क्या करने जा रही हैं आप? अब दूध डालने जा रही हूँ जार में। तो ये सारा डाल दोगे ना इसमें? हाँ सारा डाल दूँ। तो दोस्तों, रीना जी अब वाटरमेलन के पीसों को डालने जा रही हैं। तो हमने जार में दूध को डाल लिया था, अब इसमें वाटरमेलन के जो सारी पीसों को डाल दिया है। तो दोस्तों, जो हमारा ये वाटरमेलन का शेक है बनकर रेडी हो गया दोस्तों। तो इसमें बीच में एक आधे बीज रह गए थे, इसलिए हमें ये अभी छानना पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल रीना जी ने चाशनी में डाल दिया है वाटरमेलन बर्फ शेक भी को। डाल देते हाँ, थोड़ी। थोड़ा बर्फ़ डाल दो इसमें रीना। तो छलनी कहाँ पे, पास में पड़ी है कि? ट्विंकल छलनी ले आओ जाके। तो फाइनली दोस्तों, रीना जी ने जो आटे वाली छलनी थी उससे वाटरमेलन के शेक को छान लिया अच्छे से। तो रीना जी अब सभी को देने जा रही हैं वाटरमेलन शेक। और रीना जी ट्विंकल को भी दे दो और पीहू को भी दे दो। पीहू को को पीने जा रहा था। चलो ले आओ, मुझे भी दे दो। क्या बात, आज तो मज़ा आ जाएगा पी के। तो दोस्तों, बहुत ही टेस्टी बना है वाटरमेलन शेक, मज़ा आ गया। बहुत ही अच्छा बना है। गर्मी में पीने का मज़ा ही कुछ और है दोस्तों। ठंडा ठंडा बर्फ वाला है। बहुत ज़्यादा यम्मी बना है। नहीं, ठंडे से बगैर नहीं अच्छा लगता है, ठंडा होना चाहिए फिर अच्छा लगता है। और ले लो। ये लास्ट बस 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 नीचे करो, नीचे करो, पूरे नीचे। मेरा पेट भर गया पूरा है।
तो दोस्तों आप भी अपने घर पे वाटर मेलन सेक जरूर बनाएं, बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनता है दोस्तों, है ना रीना जी? बहुत अच्छा बनता है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं, तो आपसे कहते हैं आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।